हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने शाम को बताया था कि हम लोग शादी में जा रहे हैं और हम घर से निकल चुके हैं और घर पे कोई भी ब्लॉग शुरू करने की टाइम ही नहीं मिला क्योंकि बहुत जल्दबाजी में शुरू हुआ आज। और हमें अचानक से हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा भाई आ गया है लेने के लिए और अब भाई लेके जा रहा है तो नहीं तो हम कल जाते शादी में। और ये एक दिन पहले अचानक से पहुँचा है, बिल्कुल सरप्राइज दिया मुझे। आके इसने लास्ट तक भी ये नहीं बताया कि मैं घर पे आ रहा हूँ और आप तैयारी कर लो। और तैयारी ना करने की वजह से शाम को हमें बहुत जल्दी कहीं प्रेस हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, इतना काम हो गया। क्योंकि कल ही मैं बुआ जी के यहाँ से आई थी और मेरे पीछे पीछे आ रहा, उसके बावजूद भी इसने नहीं बताया मुझे कि मैं घर आ रहा हूँ। और फ़ोन पे भी बात हो रही थी रास्ते में, लेकिन फिर भी नहीं बताया। और चलो इससे भी मिलवा। हाँ तो देखो ये आ गया है और पीछे देख ले एक बार, हाय हेलो बोल दे। हाय हेलो। और ये बैठे हैं दोनों तो चल रहे हैं। और आप लोगों को भी शादी में लेके चलेंगे, जो कि आज फंक्शन है वहाँ पर, हल्दी प्रोग्राम है तो उसमें हमें जाना है। तो हम लोग तैयार हो गए। वैसे हमें कल जाना था तो आज ही निकल लिए हम। आज का भी प्रोग्राम अटेंड करेंगे और आप लोगों को भी मिलाएंगे अपनी फैमिली से, अपने घर के जितने भी फंक्शन होते हैं जो भी आप लोगों को दिखा पाएंगे वो सब दिखाएंगे। और आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब हमारे यहाँ के सारे प्रोग्राम कैसे लग चुके हैं तो, और बताना कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आगे की अभी तो काफ़ी वीडियोस शादी की ही आएंगी क्योंकि दो दो शादियाँ हैं घर में तो फंक्शन बहुत सारे होंगे। अच्छा तो अभी अभी भाई बात करना चाह रहा है तो अभी बात करवाते हैं उससे। चलो हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अपनी नानी के घर शादी में। और अचानक मैं अपनी सिस्टर के पास पहुंचा और प्रोग्राम था नहीं, अचानक प्रोग्राम बन गया और हम जा रहे हैं अब शादी में एंजॉय करेंगे। आज हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम है, उसे अटेंड करेंगे। अचानक उन वहाँ भी सरप्राइज देने वाले, हमने वहाँ पे भी किसी को नहीं बताया, वहाँ पे भी नहीं पता किसी को भी, उन लोगों को भी यही पता है कि हम लोग कल आने वाले हैं। तो हम अचानक जा रहे हैं, सारी फैमिली हमारे साथ है, आप लोगों को भी एंजॉय कराएंगे, सारी चीज़ दिखाएंगे वहाँ की, क्या कैसे 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 क्या फंक्शन होते हैं यूपी में। और नानी के घर जैसे बचपन में होता है ना कि नानी के घर जाना है, नानी के घर छुट्टियों में, तो अभी गर्मी आए तो नानी के घर जा रहे हैं हम लोग। हमारे मामा जी की बेटी वगैरह सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे, बहुत सारी लड़ाइयाँ कब सब चलेंगे। पहले बहुत शैतानियाँ होती थी तो हम सब लोगों को याद करेंगे, उन्हीं पर बातें होंगी। एक छोटा सा मेला भी लग रहा है गांव में, वो भी दिखाएंगे आपको, झूला झुलाई, गन्ने का जूस पिलाएंगे और वहाँ पे जलेबी बनती है रेड कलर की, वो भी दिखाएंगे किस तरीके की बनती है। और मामा जी फंक्शन तो हो ही रहा है लेकिन जलेबी भी आएंगी जरूर है। हाँ जलेबी भी आएंगे खाने के लिए और भेलपुड़ी, और भेलपुड़ी चलेगी क्योंकि सबको ये लग रहा था कि फंक्शन भी अटेंड हो जाएंगे और शाम को फिर मेला भी देखना। तो भाइयों हमारे भट्टे की ईंटें जा रही हैं तो हम अपने भट्टे के सामने से ही निकल रहे हैं। अरे जल्दी पहुंचाना, टूट फूट नहीं हो, ध्यान रखना जरा इसका, ठीक है? तो हम लोग अपना बोलते हुए जा रहे हैं, अपना पहुंच रहे हैं अपने भट्टे पे, नानी के घर, भट्टे पे से तो बोल दिया लड़कों को, अब अपना देख लेंगे अपने तरीके से। नानी के घर जा रहे हो तो अलग ही खुशी है, एक है आज अलग ही आनंद आएगा। पता पहले एक साथ साथ सभी बहनें और सभी भाई सभी बनाते थे, प्लानिंग करते थे कि एक साथ मिलेंगे सब, और देखो और अब मौका मिला है, शादी के टाइम ही मिलता है, वैसे बीच में नहीं जाने को होता। शादी में हम सब लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि जो बहनें ना एक दूसरे को फ़ोन करती रहती हैं, तो कब पहुँच रही है, तो कब पहुँच रहा है, और जल्दी पहुँचो, इसको भी बहुत फ़ोन आ गए कि पहुँच वहाँ पे, जल्दी पहुँच, और मुझे भी फ़ोन आ गए कि कब पहुँच रहे हो, कब नहीं पहुँच रहे हो। तो मेरा तो प्लानिंग नहीं थी, मैंने कहा उसी दिन जाएंगे, लेकिन इस हम पहुँच चुके हैं अलीगढ़, जो कि अभी हमने नाश्ता भी किया है, कचौड़ी खाई है सबने
सब्जी से कचौड़ी, जो कि सबने नाश्ता कर लिया है यहाँ पे, जबकि पता है दावत में जा रहा है फिर भी इन्हें भूख लग रही थी रास्ते में, क्योंकि घर से ऐसे ही जल्दी से चले और जल्दबाजी में तो कुछ खा पी के नहीं निकले, तो इस चक्कर में ना भूख लग रही थी बच्चों को। ये जा रहे भैया तो, भाभी जी। हाँ, और ये प्रिया भी बैठी हुई है। प्रिया नहीं दिखाई दी है ना, पहले सब सोचेंगे कि प्रिया नहीं जा रही है क्या, जा रही है। तो हम सब लोग ये सब मेन वहाँ पे वो है क्या नाम है, ये रिबन काटेंगी। हाँ प्रिया जी। अभी फोन भी आ गया है वहाँ से, लेकिन हमने बताया नहीं है कि हम लोग निकल लिए हैं। मैंने कहा शाम को पहुँच लेंगे, अब उन्होंने ज़्यादा बोला ना तो हमने बोल दिया, मैंने कहा शाम को पहुँचते हैं, लेकिन हम तो अभी पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब कितना, एक पौन घंटा लगेगा ना? पौन घंटा, एक घंटे के करीब लगेगा। तो अब हम पहुंचने वाले हैं, और जो रास्ते में चल रहे हैं, और अभी हम रास्ते में अपनी जो अलीगढ़ में मेरी सिस्टर है उसके घर पे जाएंगे, जो कि वो भैया ना अकेले रह गए, बाकी सब लोग चले गए, अभी उनसे बात हुई थी तो वो रह गए, तो उनको भी अभी लेके जाएंगे साथ में। मैंने कहा आप भी चलो जब, और उनसे भी बोल दिया हमने, मैंने बताना मत किसी को, आप तैयार हो जाओ और साथ में चलते हैं। तो अभी उनको भी लेंगे घर से और चलते हैं फिर। अपने दिल से भी जा, मगर हम जिया का हम अपना दोस्त मानते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं हमसे बेतनहा, मगर हमसे भी बहुत करते हैं, हमारी वजह से शादी में नहीं गया अभी तक, हमारे साथ जाएंगे। ये बोल रहे थे साथ में ही जाऊंगा, है विनय के साथ ही जाऊंगा, बोल रहे थे कि तुमने बोल दिया साथ चलना है तो साथ चलेंगे, मैं पहले नहीं जाऊंगा, तैयार करना पड़ रहा है। और बाकी पूरी फैमिली जा चुकी है, जिया जी अब हम जा रहे हैं शादी। ये हमारे जिया जी अब मिल चुके हैं हमें, बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, और हम शादी में बड़ी मस्ती करने वाले हैं जिया जी के साथ, और मैं बहुत छेड़छाड़ भी करता हूँ उनके साथ, वो तो अब पता चल जाएगा आगे वीडियो में आपको, और परेशान भी करने वाला हूँ, और इसी वजह से मुझे लोग याद कर रहे हैं चाचपुर में, कि मतलब आज दंगा होने वाला है वहाँ पे। हेलो, यहाँ देखो सब खाने में लगे हुए हैं, ये हम बाद में कैसा लग रहा है भाई? मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैं अपनी नानी का बहुत दिन बाद आया, मगर बेचारी नानी नहीं है, मेरे मामा जी हैं, और मेला भी लगा हुआ है, लगा हुआ बाहर, बड़ा मजा आएगा, मेला भी लग रहा है, मेला छोटी सी भांजी देखो, ज्यादा छोटी हूँ। और देखो ये मेरी बिटिया रानी है, जो कि आप लोग चाहे तो मिल चुके हो पहले, उसमें हाँ अलीगढ़ जब हम गए थे ना प्रोग्राम में गृह प्रवेश में, तब मिले थे, मेरी जो अलीगढ़ में बहन है। और देखो ये सब हैं, सब बैठे हैं, और देखो बातें चल रही हैं अब तो आके यहाँ पे, और सब लोग बिजी हैं अब तो घूमने। बाबू इधर देखो, बाबू इधर देखो, हाँ क्या हो रहा है बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श। आदर्श, और मेला लग रहा है आज यहाँ पे? हाँ।
हाँ देखो मेला लग रहा है और मेला देखने क्या क्या खाया अभी मेले में? और पटाखे और जूस पिया। अच्छा और क्या क्या झूले भी आए हैं क्या मेले में हैं? अभी बाहर शैतानी करने नहीं जाना है, ठीक है? हाँ और ये भी मेरे मामा जी के बेटे का बेटा है। तो आप सब यहाँ जितना भी फैमिली, और देखो ये देखो बहन भाई, ये बहुत दिन बाद मिले हैं दोनों। ये बहन भाई बहुत दिन बाद मिले हैं और यहाँ पे हो रही है ये तैयारी, जो कि बहन का जो उसका हल्दी का प्रोग्राम होना है। और आगे का वीडियो आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो और ये देखिए मेरे घर के मामा जी के घर के बाहर ना मेला लगा हुआ है और ये हैं सभी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर। और ये मेला काफ़ी दूर तक लगा हुआ है, अभी शाम तक तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है यहाँ पर। अभी ये सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए अभी कम है, और अभी ये मेला बहुत भीड़ होने वाली है यहाँ पर। और देखिए इधर भी है, ये मेला देखो इधर भी बहुत भीड़ है। और ये यहाँ पे और इन्होंने भी देखो येलो साड़ी पहन रखी है, सब पीले पीले कर रखे हैं। और देखो यहाँ पे भी सब देखो तैयार बैठे हैं, देखो पीछे सब तैयार बैठे हैं। प्रोग्राम की तैयारी कर रही है और पहले स्टेज पर नहीं बैठेंगी, बाद में आएगी लड़की तो बाद में होगी। तैयारियों का जिम्मा हमारे ऊपर है इसलिए पहले इन्होंने तैयारी करा दी है सब कुछ, और अब आराम से बैठे हैं। अभी अंदर फोटोशूट चल रहा है और अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अभी हम इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो न्यू चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर बाय बाय।